हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज, और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कौन सी वो नौ मिस्टेक्स हैं जो कि आपको एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर अवॉइड करनी चाहिए, अगर इनकेस अगर आप चाहते हो आप जो भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट रहे हो, सो दैट आपको एक बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए और लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा खासा एप्रिसिएशन हो, आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़े। तो ये नो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। मैं हर रोज देखता हूँ, मेरे पास कॉल्स आती हैं जब, कि ये कहीं ना कहीं इन नाइन मिस्टेक्स में से किसी ना किसी ने कोई ना कोई गलती करी हुई होती है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले। सो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद उन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। तो मेक श्योर नो की नो मिस्टेक्स देखना, क्योंकि जो आठवीं मिस्टेक है वो बहुत सारे लोग करते हैं, तो मेक श्योर आठवीं मिस्टेक बिल्कुल भी आप मत भूल जाना। तो यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इमीडिएटली बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के अंदर नोटिफिकेशंस फ्यूचर में आते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछना। और अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करना अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। करते हैं इस वीडियो के अंदर कौन सी नौ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर। तो ये मैं माइंड मैप बनाया हुआ है, तो नाइन मिस्टेक्स बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कौन से जगह कहां पे लोग गलतियां करते हैं। तो नाइन डेंजरस मिस्टेक्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, तो डेंजरस बड़ी ही खतरनाक मिस्टेक्स हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से देखना इन मिस्टेक्स को। तो जो पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं रियल एस्टेट के अंदर वो है ब्लाइंड ट्रस्ट। जी हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वो आंख बंद करके विश्वास करते हैं लोगों के ऊपर। गलती ये बहुत बड़ी करते हैं लोग, और गलती कहाँ कहाँ करते हैं लोग, अपने फ्रेंड्स पे, रिलेटिव्स पे, रेफरेंसेस पे, आंख मूंद करके, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और उसको बाद में उनको विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। ये ट्रांजेक्शन आपकी रियल एस्टेट की बिना ट्रस्ट के, बिना विश्वास के नहीं हो सकती, वो सत्य है। बट अगर ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ अगर आप चलोगे तो भी आप मारे जाओगे। सो मेक श्योर आप अपनी आंख का नाक खोल के ही वो डिसीजन लो। और यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर आपको दिख जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं, किसी के पीछे टाइगर लगा हुआ है और राइट, तो शेर की तरह आपको खा सकता है, किसी के पीछे क्लिनिक लगा हुआ है तो उसके पेशेंट बहुत सारे मिलते हैं हमको मार्केट के अंदर, और कोई यहाँ पे गीता की कसम खा के मार्केट के अंदर बोलता है कि जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो गीता के बहुत सारे मरीज मार्केट के अंदर हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, अंधविश्वास कर लेते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उनको ब्लाइंड ट्रस्ट के अंदर बड़े ही धोखा मिलता है। ऑलराइट, और बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लेडीज के थ्रू इंप्रेस हो जाते हैं कि अच्छी खासी लड़की गर्ल्स उनको ग्रीट कर रही है, मीट कर रही है, या फिर लिकर दारू के ऊपर, शराब को ऊपर डिसीजन लेते हैं कि वहां पे शराब पी, किसी के साथ बैठ के, और उसके ऊपर डिसीजन ले लिया कि इमोशंस हाई हो गए, तो और उस टाइम पे उन्होंने कुछ कमिटमेंट कर दिया, फिर वो बाद में ऑनर करा। तीसरा, किसी की लैम्बोर्गिनी देख लिया, फिर बड़ी कार देख ली और लैविश ऑफिस देख लिया। तो ये चार एल है, लेडीज, लिकर, लैम्बोर्गिनी और लैविश ऑफिस। इन चारों को देख के किसी के ऊपर भी आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, और उसके बाद उनको वो चीजें मिली कि जैसे ही चेक क्लियर हुआ उसके बाद जो भी इस कैटेगरी के लोग हैं वो उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं और उनको कोई बाद में सर्विस नहीं मिलती जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। तो चेक कर क्लियर होने के बाद बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाते, तो हमारे पास ऐसे फोन आते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी या तो बिकवा दो या फिर इस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़वा दो। ऑलराइट, और उस टाइम पे हम उनको सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि जिन लोगों से आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी क्या आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, क्या आप उनको कनेक्ट नहीं कर रहे हो इस प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए या फिर रेंट पे चढ़ाने के लिए। तो उनका एक बड़ा ही कॉमन सा जवाब होता है कि वो हमारे फोन नहीं उठा रहे। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि उनकी डेथ हो गई। ऑलराइट, तो बट एक्चुअल में चेक
चीज ये होती है कि वो ना तो डेथ हो रखी होती है ना फोन उठा रहे होते हैं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं उनको मिस सेल करी हुई होती है, मिस कमिटमेंट के साथ चीजें बताई होती है, दैट इज द रीजन वो उनका फोन नहीं उठाते। ऐसे ऐसे चीजें हमको देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, कहीं पे 1.5 साल 2 साल बाद 35 लाख 40 लाख रुपए की डिमांड एक्स्ट्रा जा चुकी है कस्टमर के पास, और वो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है वो ना बिल्डर के सामने रो सकता है ना सरकारी एजेंसीज के सामने रो सकता है, और उस टाइम पे जब वो बताता है तो हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ चीजें होती है मार्केट के अंदर। सेकेंड जो गलती है वो जो लोग करते हैं वो है आपकी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो गलत तरीके से कर लेते हैं, गलत जगह कर लेते हैं, कि ओवर प्राइस प्रोडक्ट होता है कई बार, प्रोजेक्ट होता है, कई बार ऐसा होता है कि प्री लॉन्च के अंदर कि एक किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा हाइप है मार्केट के अंदर, भले ही कोई भी ब्रांड हो, बड़े से बड़ा ब्रांड, किसी का ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े से बड़ा ब्रांड हो सकता है मार्केट के अंदर, तो उसका एक हाइप क्रिएट करा जाता है ब्रोकर कम्युनिटी के द्वारा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है अगर आपने ये नहीं लिया ना तो बस आपकी दुनिया खत्म है, आपकी दुनिया तबाह है। ऑलराइट, तो ऐसी मतलब कि हाइप क्रिएट करी जाती है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार अगर मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करा ना तो बस खत्म है मामला। ओके, तो बट ऐसा नहीं है, कि कहीं कहीं ऐसा होता भी है बट मोस्टली जगह ऐसा नहीं होता है, आपको चीजें मिल जाती हैं बाद में भी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी बोली जाती है आपको कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान है बाद में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, कॉर्नर की दुकान नहीं मिलेगी आपको, तो इनिशियली ले लीजिए, तो बहुत बार ये चीजें कुछ हद तक उसमें सच्चाई होती है, बट मोस्टली जगह वो चीजें इतना हाइप करके क्रिएट करा जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि रेरा आ जाएगा एक बार तो उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे 2,000 5,000 10,000 रुपए का, आपके पास एप्रिसिएशन आ जाएगा, और उस लालच के अंदर उस डर के अंदर, फियर और ग्रीड दो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, फियर और ग्रीड, डर और लालच, जिसके वजह से लोग डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जाके पछताते हैं। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया हुआ। ऑलराइट, जिसकी वजह से लोग बाद में पछताते हैं और कॉल करते हैं हम जैसे लोगों को कि सर इस प्रॉपर्टी से मुझको बाहर निकलवाइए, तो सिंपल एक सजेशन मेरा रहता है उनको कि देखिए जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनका टेक केयर करना हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कहीं पे अगर हमने उनको कोई प्रॉपर्टी सेल करी हुई है तो उसको बिकवाना हमारी फर्स्ट जिम्मेदारी है, उसके बाद एज ए ह्यूमन बींग, एज ए गुड ह्यूमन बींग, या फिर मैं आपके साथ फीलिंग शेयर करता हूं कि हाँ आपके साथ कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हुई है, उसको राइट डायरेक्शन में आप किस तरीके से लेके जा सकते हो, उसके अंदर हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, बट नथिंग कम्स एट फ्री, बट हमारे इन्वेस्टर्स उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, और दैट इज द रीजन हमारे जो एक कस्टमर है वो दो दो तीन तीन पांच पांच रेफरेंस देते हैं, और सेम कस्टमर तीन तीन चार चार बार रिपीट होता है हर साल हर 2 साल के अंदर। ऑलराइट, तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दूसरी गलती लोग करते हैं। तीसरी जो गलती लोग करते हैं वो है इन्वेस्टिंग इन ओल्ड प्रॉपर्टी, तो कोई बहुत बड़ी पुरानी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी पुरानी होगी तो जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो, और जरूरी नहीं है कि वो बुरी हो, बट कई बार ऐसा देखा है कि बहुत कोई पुराना प्रोजेक्ट है जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पेशली डीडी, अगर आप दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन देखोगे द्वारका के अंदर डीडीए की बिल्डिंग की, जिनकी बहुत बस 15 15 20 20 साल है, दीवारें झड़ी हुई है, उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी खराब हो चुकी है, ऐसी जगह लोग इन्वेस्ट करते हैं जबकि उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं सेम इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के अंदर। ऑलराइट, बहुत अच्छी चीजें मिल सकती है उनको, नई कंस्ट्रक्शन मिल सकती है, बट वो पुरानी प्रॉपर्टी में जाते हैं, और क्यों जाते हैं? उनका एक कंफर्ट जोन रहता है कि मेरे को अपने माँ बाप के पास रहना है, यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मेरे यहाँ पे रिश्तेदार हैं, इसी की वजह से लेना है, या कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, तो एक सेंटिमेंट रीजन भी आता है, बट जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं, जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं, इमोशनल होना अच्छी बात है, इमोशंस होना अच्छी बात है, बट इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है, तो वो इमोशंस के चक्कर में आप कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हो। ऑलराइट, या डिसीजन ले ही नहीं पाते, तो वो एक थर्ड मिस्टेक है जो लोग करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं फोर्थ, वो है इग्नोरिंग द नेबरहुड, तो पास पड़ोस को भूल जाते हैं, जब भी कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके आसपास का एरिया नहीं अच्छी तरीके से जज कर पाते कि आज की डेट में देखते हैं कि वो आज क्या है, बट वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, वो मास्टर प्लान नहीं समझ पाते कि कहाँ पे कौन सा रोड आना है, कहाँ पे यूनिवर्सिटीज आनी है, कहाँ कोई कॉलेज आना है, कहाँ पे रोड निकलना है। तो फ्यूचर में जिन लोगों ने मान लीजिए द्वारका के अंदर 2001-02 में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए का फ्लैट, वो आज की डेट में 10 गुना से ज्यादा हो चुका है, 15 15 गुना हो चुका है, 10 लाख का फ्लैट 1 करोड़ 10 लाख रुपए का हो चुका है, तो जिन्होंने मास्टर प्लान को समझ के सही डायरेक्शन में सही जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया
वो उस 10 गुना आरओआई को लेके आ पाए हैं। ऑलराइट, बट बहुत सारे लोग नेबरहुड को इग्नोर कर देते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं कि क्या कितनी कैचमेंट है वहां पे, कितनी फैमिलीज आ रही है, वो सारी चीजें नहीं देखते प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। वो इस चीज के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं कि मेरे दोस्त ने लिया है मेरे ऑफिस के अंदर है प्रॉपर्टी, तो मैं भी ले लेता हूँ। शर्मा जी ने लिया, वर्मा जी ने लिया, बंसल जी ने लिया, अग्रवाल जी ने लिया, जैन साहब ने लिया है, तो मैं भी ले लेता हूँ। तो भाई साहब आपको देखना चाहिए कि सिर्फ इस चीज के ऊपर मत लो कि उन्होंने लिया उन्होंने नहीं ली। आप देखो कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट जो है पांचवा पॉइंट है वो है आपका नेगोशिएटिंग टू मच विद द सेलर और द बिल्डर। देखिए, नेगोशिएशन करना, एक मोल भाव करना प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, एक ऐसी चीज खरीदते टाइम जो शायद आप जिंदगी में एक बार, दो बार, पांच बार, 10 बार लोगे मैक्सिमम। तो ऐसी बड़ी डील के अंदर जब बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है तो ऐसी डील के अंदर मोल भाव करना बड़ा ही स्वाभाविक है, नेचुरल है, करना ही चाहिए। ऑलराइट, हम भी अपने इन्वेस्टर्स के उनके बिहाफ पे बहुत अच्छा नेगोशिएशन करते हैं, उनको बेस्ट रेट्स, बेस्ट डील, बेस्ट डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ऑलराइट, बट हैविंग सेड दैट, एक लेवल तक ही आपको नेगोशिएशन करनी चाहिए। एक लेवल के अगर आप ऊपर सोचते हो कि मैं नेगोशिएशन कर लूं या मेरे को इस रेट से बेटर रेट मिल जाए, तो उसके अंदर होता क्या है कई बार कि जो डील आप लेना चाहते हो, जो प्रॉपर्टी, जो यूनिट जो आप लेना चाहते हो, कई बार वो आपके हाथ से निकल जाती है। जो रेट आप चाहते हो, जो यूनिट आप चाहते हो, जो फेसिंग आप चाहते हो, तो अगर आपको सारी चीजें सेट एक बार मिल जाती हैं तो आपको 2-3, 5 लाख, 10 लाख रुपए के ऊपर डील नहीं छोड़नी चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे आपको आज वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हो सकते हैं ज्यादा लगे, पर जस्ट इमेजिन कि अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जब वो प्रॉपर्टी 2 गुना, 3 गुना होगी, उस टाइम पे आपको ये चीज याद भी नहीं होगी कि मेरे को ये प्रॉपर्टी इतने में पड़ी थी। क्योंकि इस पे क्या होता है कि कई बार आपके हाथ से अच्छी डील निकल जाती है, और उस बार बहुत बार बहुत सारे बायर्स हमारे पास आते हैं कि एक बार डील उठने के बाद, डील से उठने के बाद वो लोग हमको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के सेम डील लेना चाहते हैं, बट उस टाइम तक या तो रेट रिवाइज हो चुके होते हैं, रेट बढ़ चुके होते हैं, और हम चाह के भी बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पाते। सो मेक श्योर आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है, 70-80% चीजें से आप कन्विंस्ड हो, तो मेक श्योर आप डिसीजन लो। क्योंकि एक कहावत कही जाती है रियल एस्टेट के अंदर कि बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट, डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। मतलब कि पहले प्रॉपर्टी खरीद लो, उसके बाद वेट करो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वेट मत करो। ऑलराइट, नेक्स्ट छठी मिस्टेक जो करते हैं कि बहुत सारे लोग नेगोशिएट करते हैं ब्रोकर के साथ। ऑलराइट, तो जिन जो बिल्डर है या फिर जो सेलर्स है उनके साथ तो नेगोशिएट करना ठीक है, बट ब्रोकर के साथ भी इतनी ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं कि जिसकी वजह से कई बार वो बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं कि कुछ पैसा बचाने के चक्कर में, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए बचाने के चक्कर में जो पूरी की पूरी 2-3 करोड़, 5 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक ऐसी की तैसी कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। और बहुत सारे लोग गलत कमिटमेंट कर देते हैं, फेक कमिटमेंट कर देते हैं, ऐसा डिस्काउंट बोल देते हैं जो शायद पॉसिबल हो ही ना। हमारे साथ ये कि हम एक लेवल के बाद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं कि इससे नीचे नहीं हो पाएगा, बट बहुत सारे लोग सिर्फ डील लेने के चक्कर में, चेक लेने के चक्कर में आपको ऐसे अनटिशंट रेट बोल देंगे, ऐसा डिस्काउंट दे देंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो भी ना पाए। ऑलराइट, सिर्फ डील खराब करने के लिए लोग ऐसे रेट्स दे देते हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से बायर बहुत सारी बार कंफ्यूज हो जाता है। और आपको भी एक रीजनेबल नेगोशिएशन करनी चाहिए ब्रोकर के साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी भी एक फैमिली है। ऑलराइट, सो कई बार ऐसा होता है कि बहुत आपको मेहनत के थ्रू ब्रोकर एक आपको डील दिलवाता है, आपको 5 बार, 10 बार साइट विजिट करवाता है, आपको पोस्ट सेल सर्विस देता है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवाता है, कल को अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करना है या फिर किराए पे चढ़ाना है वहां पे आपकी मदद करी जाती है। बट अगर आप उसको सारी चीजों को, सर्विस को एक साइड में करके आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट बिल्डर से डील ले लूं, या फिर आपको लगेगा मैं थोड़ा सा पैसा बचा लूं, बट थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में ना आपका कई बार बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? वो इसलिए नुकसान होता है क्योंकि आप डायरेक्ट जाके इवन बिल्डर से चीजें ले भी लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें अंदर की नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर जिस बंदे से आपने डील ली, कोई एम्प्लॉई होगा डेफिनेटली बिल्डर के पास, तो एम्प्लॉईज का टारगेट होता है, क्वार्टरली टारगेट होता है, मंथली टारगेट होता है, वीकली टारगेट होता है, डेली टारगेट होता है, तो अपना टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में कई बार आपको गलत चीजें बताते हैं या फिर बहुत सारी चीजें नहीं बताते, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती। और आपको पता कब चलती है? जब वो एम्प्लॉई जो है वो उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत बार बहुत सारे लोगों के टारगेट पूरे नहीं होते हैं कंपनी के अंदर, दैट इज द रीजन उनको निकाल दिया जाता है, या फिर क्या होता है कि किसी को अगर सैलरी हाइक ज्यादा मिल गई किसी दूसरी कंपनी के अंदर तो खुद नौकरी छोड़ के चला जाता है, बट जो कमिटमेंट आपको करे गए वो पूरे नहीं हो पाते। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे आप एक तरीके से फंस जाते हो, और वहां पे आप बोलते हो ब्रोकर को कॉल करके कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, इस प्रॉपर्टी को रीसेल करवा दीजिए या फिर रेंट पे चढ़ा दीजिए। तो उस टाइम पे क्योंकि वो इस तरीके से चीजें स्ट्रक्चर करी हुई होती है कि कई बार हम चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाते। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, सेवन्थ मिस्टेक, गेटिंग डेस्परेट। तो बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग डेस्परेट हो जाते हैं कि मेरे को ये डील मिल रही है तो मैं इस डील को अभी इमीडिएटली ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो आपको डेस्परेट भी नहीं होना, बहुत ज्यादा बड़े ठंडे दिमाग से सोचना है कि वो आपके लिए डील सही है या नहीं है। ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि वो डील सही है तो ही आप एक अच्छी तरीके से, बहुत सारी ऐसी नेगोशिएशन स्ट्रेटजी होती है जो हम यूज करते हैं अपने कस्टमर के बिहाफ पे डील को क्रैक करने के लिए, जो अब मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकता डिटेल में, अदरवाइज वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, नेगोशिएशन की स्ट्रेटजी होती है कि आपको डेस्परेट नहीं होना, बट आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है सो दैट बिल्डर से या फिर इवन सेलर से आपको एक बेस्ट अच्छा डील मिल सके, बेस्ट रेट मिल सके, आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो सके, आपको एक पोस्ट सेल सर्विस मिल सके। आठवीं मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं नॉट यूजिंग ए ब्रोकर। तो वो ब्रोकर को यूज करना नहीं चाहते आप, और उससे होता क्या है कि आपको ब्रोकरेज बताने के चक्कर में, क्या मेरे को इसको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, उसको बताने के चक्कर में बहुत सारे लोग गलत जगह फंस जाते हैं, और होता क्या है कि 2-3-5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट के एक तो ऐसी की तैसी हो ही गई, प्लस उनको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको रीसेल में प्रॉब्लम आएगी, लीज में प्रॉब्लम आएगी, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी, बिल्डर के प्राइस अगर छोड़ के चले जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, कल को अगर आपको यूनिट कैंसिल करनी है, अगर आपके पास फंड्स अरेंज नहीं हुए तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिफंड में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आप एक सही ब्रोकर को यूज करोगे तो आपको जो लॉस है नुकसान है वो बच जाता है। और राइट, लीगली कई बार कुछ पंगे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बहुत बार डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और राइट, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग ये गलती कर देते हैं। तो मेक श्योर आपके पास अगर एक सही रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, सही ब्रोकर है, तो आपको बहुत जगह बचा लेता है। और राइट, गलत तरीके से डील होने के अंदर, प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स के अंदर। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रीजन है डिलेइंग डिसीजंस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और एक अच्छी डील मिस कर देते हैं। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक बार आप प्रॉपर्टी खरीद लो उसके बाद वेट करो, रादर देन इतना लेट कर दो कि आपके हाथ से अच्छी डील निकल जाए, अच्छी इन्वेंट्री निकल जाए। ऑलराइट, सो विद दिस लास्ट मैसेज मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है किसी को इस वीडियो से फायदा हो सके। प्लस इनकेस अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो गुड़गांव के अंदर, तो इन दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारी तरफ से जो भी प्रैक्टिकली बेस्ट एडवाइस होगी, बेस्ट पॉसिबिलिटीज होंगी सारी चीजों के अंदर, भले ही वो बिल्डर का सिलेक्शन हो, भले ही वो प्रॉपर्टी का सिलेक्शन हो, भले ही आपकी खुद की यूनिट का सिलेक्शन हो, वो लोकेशन का सिलेक्शन हो, हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है जिसकी वजह से हम आपकी नीड को समझ के, आपकी जरूरतों को समझ के, आपको एक सही डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि हर कोई प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती, हो सकता है कहीं आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो जो जिसकी आपको शायद जरूरत ही ना हो। तो मेक श्योर आप एटलीस्ट एक डिसीजन लेने से पहले हमारे प्रोफेशनल एडवाइजर से कंसल्टेंट जरूर कर लें, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन केस अगर आपको, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस में फ्यूचर में नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए इन केस अगर आपको कोई सवाल हो, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, वेल थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर।